सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान टेक सीरीज में। फ्रेंड, आज की वीडियो बात करने वाले हैं पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं। पेटीएम अकाउंट में होता क्या है कि पेटीएम आप एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आप फ़ोन का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, साथ साथ ही बिजली का बिल, कोई भी बिल जमा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बढ़ रहे हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्टर्ड करके आपको जो आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कैसे आपको पेटीएम अकाउंट डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है, फिर आपको कैसे उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आपको अपना अकाउंट बनाना है, बस इस वीडियो में बढ़ रहे हैं और आपको मैं यही स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल जितना भी है सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन घंटी को प्रेस कर दें। अब हम आ जाते हैं अपने प्ले स्टोर में। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर में आ जाएंगे, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम। यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम, PAYTEM पेटीएम। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च कर PAYTEM, जैसे आप यहाँ पर सर्च कर देंगे आपके सामने पेटीएम का भीम UPI का एप्लीकेशन आ चुका है। इस एप्लीकेशन में आपको कर लेना है डाउनलोड इंस्टॉल। इस एप्लीकेशन में आपको मोबाइल रिचार्ज के साथ ये आपका भीम UPI एप्लीकेशन है, इससे आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लिखा भी है भीम UPI मनी ट्रांसफ़र एंड मोबाइल रिचार्ज, बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही ऑफर्स में आते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ये रहा एप्लीकेशन पेटीएम का, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पेटीएम का एप्लीकेशन, ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को करना है ना आपको ओपन। जैसे ही ओपन कर लेंगे यहाँ पर दिखा है नाउ स्कैन एनी QR कोड पे, ये कह रहा है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी QR कोड को के साथ पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। ये एप्लीकेशन का आइकॉन है, एक होम पेज है। अब ऊपर देखेंगे लिखा है, आपको दो दो लाइनें दिख रही हैं। सबसे ऊपर पेटीएम जहाँ पर लिखा है उसके बगल में, जहाँ पर पेटीएम के बगल में लिखा है देखेंगे दो लाइनें, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर ऊपर ये देखिए, यहाँ पर मैंने निशान लगा दी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बगल में लिखे लिखे आ रहा है लॉग इन टू एसेस योर प्रोफाइल, लॉग इन लिखा है, फिर नीचे लिखा है क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो आपको सिंपली से क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है। या अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दूसरा डालना चाहते तो इस मोबाइल नंबर को यहाँ से आप हटा सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप मोबाइल नंबर को हटा देंगे तो मोबाइल नंबर हटाने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना जो पर्सनल नंबर यूज करते हैं वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना नया नंबर डाल देता हूँ। नया नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखें लिखा है 7234985 और 940। नंबर लिखने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट, प्रोसेस टू में क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, इंटर OTP। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आया होगा, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया है उसी मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। वहाँ पर एक OTP आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ जो 6 डिजिट का OTP है। फिर नीचे सिंपली से आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है वैलिडेटिंग योर OTP, वेरीफाइंग योर डिटेल। यहाँ पर देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पूछा ऐड ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं ऐड करना है, तो आप ऊपर सिंपली से स्किप बटन में क्लिक कर देंगे। ऊपर देखेंगे कि एक बटन स्किप आ रही है, स्किप में क्लिक कर दें। जैसे आप स्किप में क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका पेटीएम का अकाउंट ऊपर देखेंगे रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, आपका प्रोफाइल बन चुका है। अब आप देखेंगे सारे के सारे प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आप यहां से मोबाइल का रिचार्ज कर देंगे। यहां पर एक QR कोड भी आ गया है, आपका लॉग आउट करने का भी ऑप्शन आ गया है। अब यहां से आपको करना क्या होगा, यहां से आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, मूवी टिकट भी कर सकते हैं, ट्रैवल की टिकट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको शॉप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी यहाँ पर सारे के सारे पेमेंट करने के ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। नीचे देखेंगे स्कैन एनी QR कोड भी आ रहा है, यहाँ पर आपको मॉल भी आ रहा है, शॉप ऑन पेटीएम भी आ रहा है, माई स्टोर भी आ रहा है, वैल्यू ऑफर भी आ रहा है, फास्टैग भी ऑप्शन आ रहा है। फास्टैग के साथ ऊपर आपको एड मनी मिल जाएगी, UPI मनी ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेटीएम में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।